प्रथम की पांच राशियों के बाद आज आपके सामने में छठी राशि यानी कन्या राशि का वर्ष 2022 का संपूर्ण राशिफल आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें कन्या राशि के जातकों का वर्ष 2022 में घटित होने वाले शुभ अशुभ परिणामों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं कन्या राशि का वर्ष 2022 का राशिफल। तो राशिफल पर चर्चा करने से पहले हम पहले कन्या राशि पर मुख्य तीन ग्रह जो लंबी समय अवधि तक कन्या राशि को प्रभावित करने वाले हैं, उन ग्रहों के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि वह आपके वर्ष 2022 में कौन से भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2021 को गोचर करते हुए मीन राशि में चले जाएंगे, यानी चंद्र कुंडली के हिसाब से यह मीन राशि आपके सप्तम भाव पर होती है। और राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 को गोचर करते हुए मेष राशि में चले जाएंगे, जो आपके चंद्र कुंडली के हिसाब से अष्टम भाव होता है। और शनि ग्रह की अगर हम बात करें तो शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में होंगे, कुंभ राशि यानी आपका षष्टम भाव। चंद्र कुंडली के आधार पर आपके षष्टम भाव में कुंभ राशि स्थित है। फिर उसके बाद यह 12 जुलाई 2022 को वक्री होकर मकर राशि में चले जाएंगे, यानी आपके पंचम भाव पर चले जाएंगे। तो इन ग्रहों का पूरे वर्ष भर आपके एक ही भाव पर लंबी समय अवधि तक असर दिखने वाला है। तो अब हम राशिफल के बारे में आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से जनवरी, मार्च और जून का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। और मई के शुरुआत में जो लोग स्थानांतरण की आस लगाए बैठे थे, उन्हें इस अवधि में स्थानांतरण मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। लेकिन वर्ष 2022 में कुछ समय ऐसा भी आएगा जिसमें आपको काफी निराश होना पड़ेगा, और कुछ मौके ऐसे भी होंगे जहां आपको सफलता प्राप्त होगी। आप वर्ष 2022 में अपनी कुशल संवाद शैली के दम पर सफलता को अर्जित कर पाएंगे और करियर में तरक्की करेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति की प्रबल संभावना बन रही है। वहीं जो लोग उद्योग सेक्टर में काम करते हैं और अपने कार्य को बदलना चाह रहे हैं, आप अपने कार्य को बदलने में भी वर्ष 2022 में सफल नजर आएंगे। बेरोजगारी की मार झेल रहे कन्या राशि के जातकों को वर्ष 2022 में कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। आपको वर्ष 2022 में अपने सहकर्मियों की गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपको इस वर्ष अपना हर कदम समझदारी के साथ उठाना है। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो आपको वर्ष 2022 में पारिवारिक मामलों में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। वर्ष 2022 के प्रथम भाग में आपको थोड़ा परेशानियां देखने को मिल सकती है। मध्य भाग आपका सामान्य गुजरेगा और अंतिम जो भाग रहेगा साल का, वह आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। तो पारिवारिक मामलों में इस तरह का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि साल के मध्य में अप्रैल से सितंबर के बीच आपको कुछ पारिवारिक विवादों का सामना करना पड़ सकता है, और वर्ष की शुरुआत में आपको परिवार का साथ कम मात्रा में प्राप्त होगा। इस समय अवधि में पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। वर्ष 2022 के आर्थिक स्थिति पर अगर हम नजर डालें तो यह वर्ष आर्थिक स्थिति के लिहाज से उठापटक से गुजरने वाला है। साल की शुरुआत आर्थिक तौर पर आपके लिए कमजोर रहने वाली है, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा, जिसमें धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। माह अप्रैल के बाद आय में बढ़ोतरी के साथ साथ आपकी उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति इस समय अवधि में मजबूत नजर आएगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है उससे कोई खर्च हो सकता है या आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। आपको सावधानी के साथ खर्च करने की आवश्यकता होगी और बचत पर ध्यान देना होगा। विद्यार्थी जातकों को अपने शिक्षा क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में पढ़ाई लिखाई में आपको अक्सर कोई न कोई बाधा परेशान कर सकती है, लेकिन माह अप्रैल के बाद से आपके लिए भी समय अच्छा शुरू हो जाएगा। आपको इस समय अवधि के बाद सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। माह अप्रैल के बाद
आप कम मेहनत के बाद भी अच्छा परिणाम हासिल कर सकते हैं। जो छात्र विदेश जाने की सोच रहे थे, उन्हें भी अपनी इस सोच पर कामयाबी प्राप्त हो सकती है। वर्ष का दूसरा भाग विद्यार्थी जातकों के लिए काफी शुभ रहने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए माह अप्रैल के बाद समय शुभ साबित होगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष 2022 कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ साबित होने वाला है। अगर कोई बीमारी पूर्व से चली आ रही थी तो इस समय अवधि में आपको उस बीमारी से भी मुक्ति मिल सकती है। हालांकि अप्रैल से लेकर जुलाई तक का समय हल्की फुल्की स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आ सकता है। वर्ष 2022 में शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए आपको भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए और भगवान गणेश में दूर्वा अर्पित करना भी आपके लिए शुभ फलों को देने वाला होगा। साथ ही साथ बुध ग्रह के बीज मंत्रों का जाप भी आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। तो यह था वर्ष 2022 का कन्या राशि का संपूर्ण राशिफल। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।